ने कनाडा के टोरंटो शहर में एक ऐसा काम किया है कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस एयर होस्टेस को टोरंटो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पाकिस्तान की इस बदनाम स्टोरी का पूरा सच, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी युवती की तस्वीर भले एक दो ही हो, लेकिन इसके कारनामे पाकिस्तान की गली गली में बड़े चाव से सुने सुनाए जा रहे हैं। कनाडा में इस पाकिस्तानी युवती ने जो किया है, उसने मुल्क के माथे पर कलंक का टीका टांग दिया है। तारीख 28 मार्च 2024, फ्लाइट संख्या PK 789, लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। 13 घंटे 31 मिनट का टाइम निकालकर बिल्कुल सही वक्त पर टोरंटो एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड करती है। सारे केबिन क्रू सुरक्षित हैं, सारे यात्री बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन जहां यात्री एक एक कर एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल को निकल जाते हैं, वहीं केबिन क्रू के 7 सदस्यों को टोरंटो की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसी गिरफ्तार केबिन क्रू में शामिल होती है हिना सानी। बला की खूबसूरत इस एयर होस्टेस की टोरंटो पुलिस सघन जांच करती है, बैग की तलाशी ली जाती है, और जो चीजें सामने आती हैं उससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नींद उड़ जाती है। कनाडा से लेकर इस्लामाबाद तक फोन घनघनाने लगते हैं। हिना सानी की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं। पूरा पाकिस्तान सन्न रह जाता है। पाकिस्तान की एयर होस्टेस गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई हिना सानी। एक तो नहीं, हिना सानी के पास थे 7 पासपोर्ट। पाकिस्तानी एयर होस्टेस हिना सानी जब टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके पास कई ऐसे पासपोर्ट मिले जो उसके नहीं थे। हिना सानी के साथ साथ कैबिन क्रू में दूसरे 7 सदस्य भी मौजूद थे। एयर होस्टेस हिना सानी के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान एयरलाइंस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। PIA के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी है और कनाडा के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। एयरलाइंस कानूनी प्रक्रिया के पालन में पूरा सहयोग कर रही है। हिना सानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की वो एयर होस्टेस हैं जिनके कारनामे पहले से कुख्यात रहे हैं। इससे पहले भी हिना सानी पकड़ी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना सानी को पहले भी कनाडा में तस्करी के आरोपों में हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तब हिना सानी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया था। वैसे पाकिस्तान एयरलाइंस की किसी एयर होस्टेस का ये पहला कारनामा नहीं है। PIA की एयर होस्टेस ऐसे कारनामों के लिए कुख्यात रही हैं। इससे पहले फरवरी में ही PIA की एयर होस्टेस कनाडा में अचानक से गायब हो गई थी। 26 फरवरी को PIA की एयर होस्टेस मरियम रजा इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी। उसे अगले दिन कराची की वापसी की फ्लाइट पर होना था, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। एयर होस्टेस के लापता होने की खबर पर जब उसके होटल में जांच की गई तो वहां एयर होस्टेस तो नहीं, लेकिन उसका एक नोट मिला जिस पर लिखा था, थैंक यू PIA। मरियम रजा के कनाडा में पहुंचकर गायब होने का ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले कई पाकिस्तानी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर गायब हो चुकी हैं। अक्टूबर 2022 में भी एक ऐसी PIA की फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचकर गायब हो गई थी। इसी तरह फ्रांस में एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जोर अखबार की खबरों के मुताबिक PIA प्रबंधन ने हिना सानी को निलंबित कर दिया और कहा कि आगे की कार्रवाई वो कनाडा की जांच के रिपोर्ट के बाद ही करेगा। हिना सानी के पास किसी और का पासपोर्ट पकड़ा जाना एक संगीन मामला है। विदेश यात्रा के दौरान किसी और का पासपोर्ट ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेस तस्करी समेत कई ऐसे अपराध हैं जिनके तहत विदेशों में पकड़ी गईं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही इनके गुनाहों की फाइलें बंद कर दी जाती हैं और इन्हें फिर से काम पर रख लिया जाता है। ऐसा करना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मजबूरी है, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान के जहाज जमीन पर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। मतलब मुल्क की आर्थिक तंगी का सीधा प्रभाव पाकिस्तान एयरलाइंस पर इस तरह का है कि मौका मिलते ही इनके कर्मचारी विदेश भाग जाते हैं। कई तो विदेश गए और फिर लौट कर नहीं आए। ना वक्त पर सैलरी देने का पैसा है, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही भविष्य में पाकिस्तानी एयरलाइंस के अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद दिख रही है।